1 करोड़ 88 लाख, 1 करोड़ 44 लाख, 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 66 लाख। जल्दी बता कुमा कहाँ है, मेरे पिछवाड़े में आओ उसके ढूंढ लो बजाना। आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? क्या होगा अगर आप इसी चक्कर में किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाए? क्या आप मानते हैं कि आपके देखे हुए सपने सच हो सकते हैं? क्या आप यह भी मानते हैं कि सोते सोते आप जो भी सपने देखते हैं वो सारे सपने किसी चीज की ओर इशारा करते हैं? क्या आप भी उनमें से हैं जो इन सपनों के बारे में सोचते रहते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह सपना मुझे आया तो आया क्यों? नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। अगर आप भी इन सवालों का जवाब खोज रहे हैं तो चलिए आज आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बताते हैं जो सपनों की ही कहानी है। आज हम बात कर रहे हैं 2017 में रिलीज हुई एक सुपरहिट फिल्म फुकरे रिटर्न्स, यानी कि फुकरे 2 की। फुकरे 2 फुकरे मूवी सीरीज की दूसरी मूवी है जिसे लोगों का बहुत प्यार मिला है और आज इसीलिए हम इस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस मूवी की सीक्वल फुकरे 3 2021 में ही हमारे बीच आने वाली है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज आपको यादों को फिर एक बार फुकरे 2 के किस्सों से ताज़ा कर दे, ताकि जब फुकरे 3 रिलीज हो तो आपको ज़रा सा भी परेशानी ना हो। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, फुकरे 2 2013 में रिलीज हुई फिल्म फुकरे की सीक्वल है। प्लॉट यह है कि हनी और चूचा को एक लोकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए होता है, पर उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं होते हैं कि उन्हें वहां एडमिशन मिल जाए। तो फिर उन्हें कॉलेज के गार्ड पंडित ने यह बता चलता है कि 2.5 लाख देकर एडमिशन मिल सकता है, तो इसी के कारण वे पैसे के जुगाड़ में लग जाते हैं। पैसे कमाते कमाते चूचा को पता चलता है कि उसके पास यह गॉड गिफ्टेड टैलेंट है कि वह लॉटरी के विनिंग नंबर का सपना देख सकता है, और हनी के पास यह टैलेंट होता है कि वह सपने को डीकोड करके लॉटरी के सही नंबर का पता लग सकता है। तो फिर इसी तरह से वो लोग पैसे कमाने लग जाते हैं। उनके अलावा फिल्म में जफर और लाली भी होते हैं, जो एक अलग सब प्लॉट होता है। किस तरह से ये प्लॉट्स जुड़ते हैं और कैसे उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिलता है, इसी चीज़ को फुकरे 2 में कंटिन्यू किया जाता है। फुकरे सीरीज में एक और मेन रोल है बोली पंजाबन का, जिसके चक्कर में फुकरे फंस जाते हैं और फिर उसके साथ ही मिलकर काम भी करते हैं। तो फुकरे ने उन्होंने उन्हें बोली पंजाबन को अंत में ड्रग्स के केस में जेल भिजवा दिया था। अब फुकरे 2 में बोली जेल से छूट जाती है और पंडित से उन फुकरों को लाने को कहती है। बोली उन्हें सजा देने वाली होती है, पर किसी तरह वो उसे मना लेते हैं और सजा के बजाय बोली उन्हें लॉटरी शॉप खोलने के लिए पैसा देती है। फुकरे 2 में एडिशन है एक मंत्री का, जो कि है जनता विकास पार्टी के। उनका नाम है बाबूलाल भाटिया और वे चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। फिर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मिनिस्टर उनके लॉटरी शॉप के पीछे पड़ जाते हैं। अब क्या और कैसे होता है यह तो आप मूवी देखकर ही जान पाएंगे, पर आपको बता दे कि हंसी आपके चेहरे पर बरकरार रहेगी, यह पक्की बात है। फिल्म में चूचा के रोल को सबसे ज्यादा पसंद किया गया था। यह रोल निभाया था वरुण शर्मा ने, जो फुकरे 2 सीरीज के अलावा आपको छिछोरे जैसी सुपरहिट मूवी में भी दिख चुके हैं। इसके अलावा पंडित के रोल को भी बहुत प्यार मिला था, और यह जानकर हैरानी नहीं होती क्योंकि पंडित के रोल में नजर आ रहे फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार कालीन भैया, यानी कि पंकज त्रिपाठी। इनके अलावा पुलकित सम्राट हनी के रोल में है और लाली के रोल में है मनजोत सिंह। मिर्जापुर के एक और महत्वपूर्ण कैरेक्टर गुड्डू भैया, यानी कि अली फजल, भी फुकरे 2 का पार्ट रहे हैं। वे इस फिल्म में जफर का रोल निभा रहे हैं। क्रिटिक्स के द्वारा चाहे इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज क्यों ना मिले हो, पर कमर्शियली ये फिल्म सुपरहिट रही है। 22 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 110 करोड़ के आसपास कमाए हैं। वहीं दूसरी ओर
को क्रेव फिल्म ने सिर्फ 36 करोड़ के आसपास ही कमाए थे। फुकरे और फुकरे 2 को तो लोगों का बहुत प्यार मिला था, पर क्या इसी सीरीज के जाने आने वाली फिल्म भी इस प्यार को बरकरार रख पाएगी, यह देखने वाली बात रहेगी। फुकरे 3 में भी फिल्म की कास्ट में कोई चेंजेस नहीं है और साथ ही साथ फिल्म फुकरे 2 की स्टोरी को ही आगे कंटिन्यू करेगी। फिल्म के डायरेक्टर मृगदीप सिंह लांबा ने कहा कि यह मूवी भी पिछली मूवी जैसे ही दिल्ली में शूट होगी, पर पहली बार फिल्म के कुछ हिस्सों को इंडिया के बाहर शूट किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या आप मान सकते हैं कि फुकरे की किस्मत फुकरे 3 में खुल जाएगी और वे विदेश में भी पहुंच जाएंगे? यह बात हम अगली वीडियो में करेंगे। और अगर फिल्म के रिलीज होने से पहले आपको इससे जुड़े और भी फैक्ट्स को जानना है तो बिना देर किए आपके अपने चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट फिल्म से जुड़े फैक्ट्स के मजे लेते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के हमारे स्क्रिप्ट के राइटर है अभिनव।